तो आज हम बना रहे हैं बाटी चोखा। और बाटी चोखा की तैयारी सबसे पहले कंडे से होती है। कंडे जो है सुलगाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो दोस्तों कंडे तैयार हो रहे हैं, जब तक हम लोग जो है आटा मारते हैं। दोस्तों ये दूसरी चीज़ ली जाती है बैंगन। जो है बैंगन में जो है बीच से फाड़ फाड़ के इसको लहसुन जो है इसके पेट में घुसेड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है इसमें तो भटा बच चुके हैं हमारे और टमाटर भी बच चुके हैं। अब इसकी बनेगी चटनी बेहतरीन। दोस्तों चटनी हमारी तैयार हो गई है फटाफट, देसी बिल्कुल। तो दोस्तों भटा का भरता तैयार होने जा रहा है। हमारी चटनी जो है बिल्कुल देसी स्टाइल में हमारी तैयार होने जा रही है। जी ये देखा। तो दोस्तों जो है हमारी जो है कक्कड़ बन रही है और जो है ये तवे पे बनेगी दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा जो है आग में भी सेकेगी और जो है बाटी भी बनाएंगे दोस्तों। ये थोड़ा जो है पापा जी को खाना था तो हमने कहा ये भी कक्कड़ भी बना लेते हैं बेहतरीन। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनल में, बंद कर। दोस्तों बाटी भी हमारी तैयार हो चुकी है और सब चीज़ तैयार हो चुकी है, चलते हैं खाने दोस्तों। तो फाइनली हमारा जो है बाटी चोखा तैयार हो चुका है। ये रहा चोखा दोस्तों, ये रही दाल, ये रही चटनी और बेहतरीन जो है हमारा जो है दाल बाटी चोखा तैयार है दोस्तों। तो चलते हैं खाने दोस्तों, बहुत तेज़ से भूख लगी है क्योंकि बहुत मेहनत की है इसको बनाने में दोस्तों। और अब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों।